I am a rock star, I am a superhero, yo 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 yo, yo 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 yo. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी, प्रॉन करी, प्रॉन मसाला। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है जो मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ क्योंकि आज हमारे घर में ये बना था। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो प्रॉन, जो बड़े वाले प्रॉन आते हैं मार्केट में वो मैंने लिया है, और उसको साफ़ करना सच में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एनी हाउ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको साफ़ करने में, उसका छिलका, जो ऊपर वाला छिलका है वो निकालने में। तो मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर लिया पहले, देन उसको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, पूरा अच्छे से धो दिया। अब मैं उसको करूँगी मेरीनेट, थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा नमक डाल के। देन मैं एक कढ़ाई में करीबन 3 चम्मच ऑयल ले रही हूँ, उसमें मैं फ्राई करूँगी उस प्रॉन को। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा फ्राई करूँगी। अब कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ है उसमें मैं ऐड करूंगी और थोड़ा सा ऑयल, देन ऐड करूंगी 2 बेल लीव्स एंड कड़ी पत्ता। अब मैं उसमें ऐड करूंगी कटा हुआ ऑनियन, मैंने यहाँ पे 2 प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देन थोड़ा कढ़ाई को मैं कवर कर दूंगी ताकि ऑनियन मेरा थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए, एंड उसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। फ्राई होने के बाद उसमें ऐड करूंगी मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड ये पेस्ट बनाने के टाइम पे मैंने जिंजर गार्लिक, क्यूमिन सीड्स एंड 2 सूखी मिर्च लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया था। मसाले को थोड़ा टाइम भूनने के बाद उसमें ऐड करूंगी हल्दी एंड थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जस्ट एक अच्छा कलर आने के लिए। मैं क्योंकि तीखा तो मैं ज़्यादा नहीं करूंगी, एक तो मैंने सूखी मिर्च ग्राइंड कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी एंड धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड करूंगी, जीरा पाउडर नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मैंने क्यूमिन सीड्स ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया था। अब मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी जब तक कि उसका रॉ स्मेल ना चला जाए। देन उसमें ऐड करूंगी कटा हुआ टमाटर, मैंने 1 टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसको कवर कर दूंगी ताकि मसाला मेरा जल्दी से पक जाए, एंड अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को भून सकते हो। और मैं यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस में कटा हुआ आलू ऐड कर रही हूँ, ये बॉयल्ड आलू है। देन मैं ऐड करूँगी वो जो फ्राई किया हुआ प्रॉन मैंने रखा था उसको ऐड करूँगी, अच्छे से उसको मिक्स करूँगी 2-3 मिनट तक, उसको ऐसे चलाऊँगी मिक्स करूँगी, देन थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। आपको अगर ऐसा ही ड्राई पसंद है तो आप ड्राई खा सकते हो, अगर आपको चाहिए थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी टाइप आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का पसंद है। यहाँ पे मैंने जो करी लीव्स ऐड किया है ना, उसकी वजह से इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है, खुशबू तो एक बहुत अच्छा आता है, टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप इसको एक बार ज़रूर घर में ट्राई करना, आपको पता चल जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है एंड उसको 3-4 मिनट बॉयल होने के लिए दूंगी, एंड लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला एंड उसको कवर करके रख दूँगी। मेरा करी बन के रेडी हो गया है। ये देखो मेरा करी बनके रेडी हो गया है। मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है, ये ठंडा होने के बाद और भी
ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी एंड उसको कवर करके रख दूँगी, खाने के टाइम पे उसको निकालूँगी। इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, कितना अच्छा दिख भी रहा है एंड स्मेल भी बहुत ही अच्छा आ रहा है एंड आई एम श्योर खाने में भी वो इतना ही टेस्टी होगा। अभी थोड़ा रुको, लंच हमारा फिनिश हो गया और वो जब मैं पियानो ऑन करता हूँ तो हर रोज ऐसी आवाज आती है पियानो ऑन करने से। हाँ शायद हाँ। तो प्रॉन करी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मस्त, सच में टेस्टी बहुत था और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ऑसम टेस्ट है। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे घर के नए म्यूजिशियन से। ये तो एक बड़े म्यूजिशियन है हमारे घर में और छोटे म्यूजिशियन पीछे बैठे हैं। रुको आदि अपना थोड़ा टैलेंट दिखा, रुको तो अपना कुछ टैलेंट तो दिखाओ। अरे वाह, अब कुछ गाना तो गाओ, गाना गा के पियानो प्ले करो। हो गया? और कुछ गाना गाना है आपको? नहीं नहीं हो गया। बजा तो इन बोलो तो इन बटन्स में से कोई गाना बजा दूं? नहीं नहीं, आपको कुछ अगर खुद से गाना गाना है तो बोलो। नहीं आपने देखा ना हमारे घर के नए रॉकस्टार को, नए रॉकस्टार, नए म्यूजिशियन सब कुछ है। जब से आदि को ये मिला है तब से हम टीवी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आदि का कॉन्सर्ट ही सुन रहे हैं, है ना। बहुत सारे गाने, बहुत सारे म्यूजिक और हमें टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है ना आदि। हाँ ज़रूरत है क्या? कभी कभी आप तो टीवी देख रहे हो। हाँ कभी कभी तो देख, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमें यही सुनने को मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको आदि का गाना कैसा लगा और मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। ओ ये वीडियो यहाँ तक है, मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय। कल यानी कि 31 अगस्त को मेरी भतीजी का बर्थडे था, तो उस दिन का कुछ वीडियोस एंड कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरे इस वीडियो में, ताकि आप सब भी एंजॉय कर सकें। और ये जो ड्रेस मेरी भतीजी पहनी है ना, ये मैंने दिया था। आप लोग ज़रूर बताना कि ये कैसा है।